सच्ची दोस्ती। दो मित्र थे, वो बड़े ही बहादुर थे। उसमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि उस नौजवान ने उसके खिलाफ विरोध किया है, तो उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है, मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल पाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहीं मौजूद था। वो आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूँ, अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दे दिया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठ नहीं पाया। नौजवान को भी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते, वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, नौजवान वहां उस वक्त पहुंच गया। उसने मित्र से कहा, लो मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदाई दे दो। मित्र बोला, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। पूरी हो गई? नौजवान ने कहा, ये तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्र की दोस्ती को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उस दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन से बादशाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।